अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोर लॉजिकल लेक्चर नंबर टू है सेट ऑपरेशन एंड डायग्राम ठीक है इसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं सेट ऑपरेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें हम एक रफ रफ तो नहीं जरा आप लोगों को समझ आ जाएगी गो थ्रू करते हैं पुराने पुराने टॉपिक्स को ठीक है से मतलब जो जो में पढ़ते हैं दुबा, दुबारा करते हैं दोबारा दोबारा से से रिवाइज करते कि आपको जो है रिकॉल हो जाए अच्छा सेट ऑपरेशन में हमारे पास सबसे पहले ए यूनियन भी आता है तो यूनियन तो आपको लेना आता है ए का सेट है बी का सेट है और यूनियन कैसे लेना है सबको इकट्ठा करके लेना है जो मेंबर्स दो दफा हैं उनको दो दफा लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें एक ही दफा हम लिखते हैं ठीक है इंटरसेक्शन आता है नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन आता है नेक्स्ट हमारे पास उसमें हमारे पास होता है कि हम कॉमन लेते हैं ठीक है थीके? हमारे पास ए का सेट है बी का सेट कॉमन हमने वही लेने हैं जो दोनों में होंगे वो ही लिखेंगे टू है यहाँ पर और थ्री है और इसमें भी टू थ्री है तो हमारे पास कॉमन टू और थ्री आ गए ठीक है सब्ट्रैक्ट है ए माइनस बी ए माइनस बी हम कैसे करते हैं ए सेट है और बी ए में से बी के माइनस करने हैं कैसे माइनस करेंगे मतलब इसको काटते जाएं ए ए में बी में टू है और इसमें भी टू है तो टू कट गया इसमें थ्री है इसमें भी थ्री कट गया तो यहाँ पे जो रहेगा क्योंकि ए माइनस बी है ना तो ए में जो रहेगा वो हमने लिखना है वन अगर हमारे पास बी माइनस ए होगा तो हम बी में जो मेंबर्स रह जाएंगे वो लिखेंगे ठीक है जैसे कि टू और थ्री कट गया तो फिर बी माइनस ए का आंसर फोर आएगा हम बी वाले को देखेंगे ठीक है ए वाले को नहीं देखेंगे जो हमसे माइनस हो रहा होगा ना उसको हम लिखते हैं ए ए से बी माइनस हो रहा तो ए वाले लिखेंगे और बी से ए माइनस हो रहा तो फिर हम बी वाला लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से हम वो सेट माइनस करें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास वन से टेन तक दिया हुआ है यहाँ पे और ए का सेट वन टू थ्री दिया हुआ है तो यूनिवर्सल से ए माइनस करने का मतलब वही है जैसे ए में से बी माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल में से ए माइनस करते हैं तो वन थ्री टू थ्री माइनस कर दिए ए वाले और बाकी फोर से लेकर टेन तक रह गए फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये इंक्लूड है बीच वाले नंबर ऐसा ना हो कि आप सिक्स के बाद डायरेक्ट टेन लिख लें सेवन एट नाइन टेन नाइन इंक्लूड है इसमें ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है ये थोड़े से मैंने डायरेक्ट किए इसको सॉल्व नहीं करवाया यहाँ रफ सा ही बता देती हूँ ए यूनियन फाई का क्या मतलब होता है एम सेट पीछे मैं समझा चुकी हूँ लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में एम सेट बता चुकी हूँ कि उसको फाई कहते हैं या तो ऐसे करके लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पे यू ए यूनियन एम टी सेट तो उसका आंसर ए आएगा कैसे जल्दी से कर लें वन टू थ्री अपने लिए एक्जाम्पल फोर डून से कर लिया करें वन टू थ्री है और एम्प्टी सेट खाली है तो इनका यूनियन ले तो हमारे पास क्या आएगा वन टू थ्री आएगा ना ए का सेट ही वापस आ जाएगा तो वो क्या आता है ए आता है ठीक है हर सेट में एम्प्टी सेट मौजूद होता है जरूरी नहीं कि हमने मेंशन किया हो कि सेट में फाइव लिखे या एम्प्टी सेट हर सेट में एम्प्टी सेट होता है ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने ठीक है यू ए यूनियन यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास यू आएगा ठीक है यूनियन करना है ए के साथ यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट बड़ा होता है ना और एक सेट छोटा होगा जैसे यहाँ देखें यू और ए है इनका यूनियन करना है यूनिवर्स यूनियन करना है ना यहाँ पर लिखा है तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगे ना 1 2 3 तो दो दफा हम नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें तो वो दोबारा से यू ही आएगा इसी तरह a का यूनियन a के साथ दें तो a ही आएगा मतलब यूनियन में इस a के साथ दोबारा यूनियन करें इसी को 1 2 3 को तो 1 2 3 आएगा ना क्योंकि दो दफा नहीं लिखना तो a का सेट ही वापस आ गया ठीक है ये शॉर्ट शॉर्ट से हैं एमसीक्यूज में आते हैं यूजुअली ठीक है ए के साथ इंटरसेक्शन करें एम्प्टी सेट का तो एम्प्टी सेट मतलब कॉमन लेना तो हर सेट में एम्प्टी सेट मौजूद होता है और आपने एम्प्टी सेट के साथ किया तो आंसर में एम्प्टी सेट ही आएगा ठीक है कॉमन लेना होता है ना इंटरसेक्शन में तो एम्प्टी सेट आ गया ए के साथ इंटरसेक्शन करें यूनियन का तो ए आएगा क्योंकि कॉमन लेना होता है और ए के सेट में कम होते हैं और यू के सेट में ज्यादा तो हमने कॉमन दोनों में लेंगे तो ए वाला ही आएगा ना जैसे ए इंटरसेक्शन यू करें तो हमारे पास वन टू थ्री दोनों में है ना तो इसलिए वन टू थ्री आएगा तो वन टू थ्री क्या ए का सेट तो ए आया ठीक है ये कोई समझाने की चीज़ है तो मुश्किल सी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ कि कोई बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल मैथ से नहीं लगती तो उनको थोड़ा सा गो थ्रू हो, हो जाए ठीक है ए इंटरसेक्शन ए करें तो ए ही आएगा दोनों में कॉमन एक ए को ए के साथ ही कॉमन लें तो ए ही आएगा ठीक है इसी तरह हमारे पास और कुछ प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ तो नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए आप एग्जांपल के थ्रू तो अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया करें कि ए यूनियन बी का आप करें इक्वल है बी यूनियन ए के के नहीं तो आपने एग्जाम्पल ख़ुद से बनानी है ए का सेट बनाना है वन टू थ्री बी का सेट बनाना है वन टू फोर फाइव सिक्स दोनों का यूनियन लेना है फिर दूसरी साइड पर आपने पहले बी को लिखना है फिर ए को लिखना है दोनों का यूनियन तो दोनों के जो है सेम आएंगे ना क्योंकि आगे पीछे से कोई मैटर नहीं करता आंसर तो सेम ही होगा ना कॉमन ही इकट्ठा करके लिखना होगा ना तो आपने आ, आगे पीछे से मैटर नहीं होता ठीक है इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी यूनियन सी पहले बी यूनियन सी कर लें या ए यूनियन सी कर लें एक ही बात है दोनों का आंसर सेम ही आएगा तो इस तरह का अगर आ जाए तो आपने पहले बीच वाला सॉल्व करना है बी का सेट और यूनियन करना है सी के साथ दोनों को इकट्ठा करके लिखना है और फिर ए का सेट फिर यूनियन और इसका जो आंसर आएगा ना वो दोनों का यूनियन करना होगा ठीक है इसी तरह इस सेट पर भी करेंगे आंसर सेम ही आएगा नेक्स्ट हमारे पास आता है वेन डाइग्राम ठीक है वेन डायग्राम बहुत सिंपल है लेकिन यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट है मैंने अपने एम टी एच हंड्रेड में भी और टू जीरो टू में भी जो है ये करवाया हुआ है वो तो ज़रा एडवांस है ज़्यादा ज़रा मुश्किल सा है ये आसान सा है बिल्कुल बेसिक क्योंकि सेट है ना बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए वन डायग्राम हमारे पास ए सेट है और बी और डिस जॉइंट है डिस जॉइंट का मतलब कि वो दोनों आप इसमें नहीं मिल रहे तो यहाँ पर ए अलग हो गया ए का सेट इस तरह बनाना है इसमें अभी नंबर्स नहीं है तो अगर वन टू थ्री है तो आप वन टू थ्री आगे पीछे करके लिख सकते हैं और इसमें फोर फाइव सिक्स तो ये इस तरह आएगा डिस जॉइंट दोनों में कॉमन ना हो डिस का मतलब ठीक है अब ए और बी है और टू है मतलब कि है और दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो दोनों का कॉमन किधर आएगा इधर सेंटर में आएगा एक सेट हमारे पास ये है इसमें वन है और दूसरे सेट में हमारे पास इसमें इसमें टू भी है और इसमें भी टू है टू थ्री है तो हम टू बीच में लिख लेंगे कि टू इसमें भी इंक्लूड है टू इसमें भी इंक्लूड है ठीक है तो इसलिए यहाँ पे शेडेड एरिया बीच वाला है कि इसको दोनों में ये कॉमन है यूनियन ऑफ ए एंड बी यूनियन का क्या मतलब होता है इकट्ठा करके लिखना तो इकट्ठा हम करेंगे तो इसलिए हमने पूरे को शेड कर दिया कि पूरा इकट्ठा कर दिया हमने ठीक है इकट्ठा कर दिया तो सारे को शेड इंटरसेक्शन का मतलब कि कॉमन लेना है तो कॉमन वाला पार्ट बीच वाला इसलिए सिर्फ इसको हाईलाइट किया डायग्राम okay. और ये यू का मतलब ये एक बड़ा सा ट्राइंगल है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे सेट्स होते हैं उसमें ये ए और बी है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू सॉरी ए तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए तो यू में से ए वाले को कट कर दें तो जो रह गया उसको शेड करेंगे तो ये ए वाले को छोड़ दिए और बाकी सारे को शेड अब दूर से देखें तो लगता है ना कि ये वाला नहीं इंक्लूड और बाकी सारा इंक्लूड है ठीक है तो इसलिए यू में से ए माइनस हो गया तो ये वाला इसको हमने इग्नोर कर दिया डिफरेंस ऑफ ए एंड बी तो एंड बी का मतलब डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना तो ए में से बी माइनस करेंगे तो ए वाला माइनस हो गया तो क्या रह गया ए माइनस बी है ना तो ये शेडेड एरिया मतलब कि ये वाला रह गया जैसे हम वो लिखते थे ना माइनस करने में हम जो रह जाता था ए में जैसे वन रह गया फॉर एग्जाम्पल टू थ्री है इसमें और इसमें फोर वन सॉरी इसमें वन लाते हैं नाइन फाइव कर देते हैं ये टू और थ्री थ्री भी लिखेंगे और टू भी लिखेंगे कट हो गए तो इसमें वन रह गया ना तो उसका मतलब ये एरिया शेड हो गया और ये सारा इग्नोर हो गया जैसे इग्नोर वाला हाईलाइट नहीं किया था ना इस तरह यहाँ पर भी इग्नोर वाला हाईलाइट नहीं करेंगे सही है अब अबसोस समझ आई होगी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और हाँ दूसरी बात ये कि अगर आपके पास वेन डायग्राम आ जाए पेपर में तो आपने पेंट यूज़ करने हैं पेंट का ऑप्शन होता है अलाउ होता है वहाँ पे वहाँ पे जाके आपने पेंट करके ये रेट एंगल बनाना होगा सर्कल बनाने होंगे इस तरह उनको कंबाइन करके जो है उसके बीच में नंबर्स लिखने होंगे ठीक है वहाँ से सेव करके और फिर वही फाइल आप जो है अपने पेपर में खोलनी होगी तो हो जाएगा आराम से कॉपी करके वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करना होगा तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा उम्मीद है समझ आई होगी कुछ ना आई हो तो ज़रूर कॉमेंट करें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज